हेलो, वेलकम टू WS क्यूबटेक। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्लॉटिंग टू सिग्नल्स ऑन अ सिंगल ग्राफ विंडो यूजिंग अ मैटलैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट फाइल ले लेते हैं जिसके अंदर हम दो सिग्नल्स जनरेट करेंगे और उन दोनों सिग्नल्स को एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। चलिए मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट फाइल लेता हूँ। स्क्रिप्ट फाइल का नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट फिगर 1। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल क्या लेते हैं, सपोज टाइम ले लेते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो टी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले लेते हैं और उनके बीच का डिफरेंस रहेगा 0.01 का। देखिए हमने टी एक वैल्यू असाइन कर दी। अब इसको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू असाइन हुई है। तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट करके एंटर कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा टी की एक 101 वैल्यू है डबल टाइप। तो 0 से लेके 1 तक 101 वैल्यू दिया इसने। अब मुझे इस 101 वैल्यू के लिए मुझे साइनसोइडल और कोसाइन वेव जनरेट करना है। सपोज़ फ्रिक्वेंसी में ले लेता हूँ 1 हर्ज। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x1 जिसके अंदर साइन जनरेट करना है। तो मैं कमांड लिखूँगा साइन और 2πft। तो ये है हमारा साइन वेव जनरेट करने का तरीका। हमने पहले वीडियो में भी देखा था साइन जनरेट करने का तरीका, साइन ओमेगा टी होता है जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है। तो वही वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की साइन जनरेट करने के लिए। अब सिमिलरली मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ कॉस के लिए। तो कमांड है कॉस और सेम अंदर ओमेगा टी की जगह 2 into π into f into t। तो ये दो सिग्नल जनरेट हो चुके हैं मेरे पास x1 एंड x2। अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसको कमेंट लाइन से लिख सकते हैं। कमेंट लाइन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वेव है। और यहाँ पे लिख देते हैं कोसाइन वेव कमेंट के अंदर ताकि हमें पता रहे। चलिए तो ये दोनों वैल्यू आ गई है साइन और कोसाइन की x1 और x2 के अंदर। अब मुझे प्लॉट करके देखना है। तो इनिशियली मैं प्लॉट करके देख लेता हूँ कि साइन वेव और कोसाइन वेव कैसा दिखता है। तो प्लॉट अगर x1 करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे x1 प्लॉट होके आ जाएगा। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ। ये देखिए इस टाइप का दिख रहा है। अभी गैप क्यों दिख रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये गैप इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक्सेस को मैनेज कर ले रहा है। अगर मुझे इसको सही से देखना हो तो किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है x1 को। तो अब इसको प्लॉट करूँगा। यहाँ पे देखिए पूरा फुल साइकिल दिख रहा है। तो ये साइनसोइडल वेव था। अब कोसाइन वेव देखना हो तो जस्ट यहाँ पे x2 चेंज कर दीजिए। x2 के अंदर क्या कॉस है तो कोसाइन वेव जनरेट होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे कोसाइन वेव जनरेट हो गया। अब मुझे साइन और कोसाइन वेव साथ में देखना हो तो उसके लिए जो कमांड में यूज़ होता है वो होता है प्लॉट कमांड ही होता है, बट उसके अंदर दोनों वेरिएबल्स एक साथ असाइन कर देते हैं। सपोज यहाँ पे यहीं पे देखिए टी कॉमा x1 साइन के लिए हो गया और उसी के अंदर कॉमा देके टी फिर कॉमा कौन सा वेरिएबल है x2। तो ये x1 हो गया साइनसोइडल वेव के लिए और x2 हो गया कोसाइन वेव के लिए। अब मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ तो यहाँ पे देखिएगा टी x1 के साथ प्लॉट हो रहा है और टी x2 के साथ ही प्लॉट हो रहा है। यानी x1 और x2 दोनों प्लॉट हो जाएंगे और x एक्सिस उसका सेम रहेगा, वो है टाइम। तो देखिए मैं इसको प्लॉट करता हूँ, रन करता हूँ। तो रन करते हैं आपको दिख जाएगा दोनों साइनसोइडल एंड कोसाइन वेव। अब आपको यहाँ पे अगर टाइटल देना हो तो टाइटल के लिए सिंपल सा टाइटल कमांड है जो हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं टू सिग्नल्स ऑन अ सिंगल ग्राफ, ठीक है। तो ये टाइटल हो गया। इस टाइटल को अगर लिखने के बाद रन करना है तो वापस से वहाँ पे उसी वेवफॉर्म के अंदर टाइटल भी शो हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। रन किया तो यहाँ पे देखिए टू सिग्नल्स ऑन अ सिंगल ग्राफ। दो कौन से सिग्नल्स हैं, एक साइनसोइडल ये ब्लू वाला और ये कोसाइन रेड वाला। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
WS Cube Tech चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।